हाय गाइस, मैं हूं मोना। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो मेरे नेल्स बहुत गंदे लग रहे हैं, बहुत जल्दी मैं इसको रिमूव करूंगी। एंड मैंने आज पहना है ये वाली अगेन, मैंने पहन लिया जो मैंने कल शाम को पहना था, ये धुला हुआ है। एंड ये वाला दुपट्टा जो है ना, ये मेरे मम्मी ने ही दे दिया मुझे। आई डोंट नो इसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पर मैंने इसको पहन लिया क्योंकि मुझे और कोई दुपट्टा नहीं मिल रहा था। क्यों दुपट्टा वो पट्टा क्यों इतना सुंदर से तैयार हो जाना, सुंदर से मतलब क्या, ये वाला थोड़ा सा झुमका पहन लिया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया। तो आज है कार्तिक महीना शुरू हो रहा है आज से, तो हम लोग अभी जाएंगे मंदिर। कार्तिक का सोमवार है ना, आज पहला सोमवार है तो मंदिर जाएंगे। नॉर्मली मंदिर नहीं होते तो अकेले मैं नहीं जाती, दोनों है तो चले जाते हैं अभी। तो इतना आज बोले, मैं सुबह से इतना ज्यादा टेंशन हुआ है ना घर पे। मतलब देखिए, एक तो क्या हुआ, सुबह कल रात को पानी एक तो बंद हो गया, फिर सुबह जैसे ही पानी आया ना, रात को देर रात को पानी आया था, 2 बजे मैं जगी हुई थी तो मैंने पानी ना थोड़ा सा भर लिया था, पर इतना गंदा पानी आया था, इतना जो मिट्टी मिट्टी वाला पानी नहीं होता पूरा एकदम से नदी में, पता नहीं ऐसे बारिश में एकदम मिट्टी मिट्टी वाला पानी। बारिश वारिश कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था, कल भी रात को ऐसे ही आया, आज सुबह भी ऐसे ही आया, मिट्टी 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 वाला पानी आया था। तो जैसे तैसे करके पानी को ना थोड़ी देर रख के, जैसे वो नीचे बैठ जाएगा ना, तब जाके मैंने नहाया है क्योंकि मंदिर जाना। एंड मैं सोची थी आज हेड वॉश करूंगी, कल मैंने तेल लगाया था एंड मैंने कोई भी हेड वॉश नहीं किया था कल। आज भी मैंने बाल को वॉश नहीं किया, हेयर वॉश नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि पानी इतना गंदा था कि उसको हेयर क्या वॉश करोगी, ऊपर से वो और गंदा हो जाएगा, तो इसी के लिए मैंने हेयर वॉश ही नहीं किया था उसके बाद। तो थोड़ा सा पानी बस ऐसे छिटक दिया क्योंकि मंदिर जाना है, तो महेंद्र बोलते कि थोड़ा सा साफ पानी ले लो फिर ना आता, मैं बोले कहाँ से लेके आऊंगी साफ पानी। यस हाँ, तो वो अभी नहाने के लिए गए हैं, फिर हम लोग जाएंगे। एंड ये वाला जो इयररिंग्स है ना, ये मैंने यहाँ से लिया था, चेन्नई से ही लिया था ये वाला। ये वाला हाँ, ये साउथ का ही डिजाइन होता है, ये वाला जो है ना, ये साउथ का डिजाइन होता है यहाँ का। तो आप लोग बताना क्या कैसा लग रहा है एंड मैं कैसी लग रही हूँ बताओ जरा सा थोड़ा सा। एंड गाइस, आप लोगों को इतने ज्यादा क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतने ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एक तो इतना हंसी आ रहा था, मैं बहुत टाइम से ना वो सारे क्वेश्चन को इग्नोर कर रही थी कि चलो छोड़ो, एक बार लाइट लगा लेती हूँ, अंधेरा सा हो रहा है यहाँ पे। हाँ, एक तो आप लोगों के इतने ज्यादा सवाल है ना, तो मैं एक तो इग्नोर कर रही थी, काफी टाइम से मैं इग्नोर कर रही थी कि चलो छोड़ो मैं नहीं कुछ बात करती इसके बारे में, लेकिन हंसी आता है। तो मोर रेडी यार, एक तो ये रेडी नहीं होते हैं पहले, ठीक है मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर बोलते कि रेडी हो गई, देखो रेडी हो गई, फिर ना मेरे को रेडी हुई और रेडी होने के बाद थोड़ा सा कुछ काम रहता है ना, फिर बोलेगे देखा अब तक तुमने रेडी नहीं हुए, मैं कब से रेडी हो गई। एंड ये हमारा हमेशा से होता है, लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं क्यों। तो बेबी को लेके यार, बेबी को लेके आप लोगों से सवाल, यूट्यूब में मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे बेबी को लेके सवाल करेंगे लोग, एंड उसका क्या जवाब दूं भी मुझे नहीं आता है, बट स्टिल मैं आपको जवाब दूंगी। एंड बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इन लॉज को लेके, मेरे फादर इन लॉ को लेके, मेरे घर वालों को लेके, कुछ अच्छे कुछ बुरे, जो बुरे थे बहुत बुरे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी फिर आगे मैं बात करूंगी अच्छे से, नहीं तो मन खराब हो जाएगा। वैसे खराब होने का बात यह है कि आप लोग कुछ को पता नहीं होता, फिर भी लोग ना इतना कुछ बोल देते हैं, बोलिए मत। एंड क्या बोलूँ यार, मैं आप लोगों को बहुत कम टाइम का वीडियो दिखाती हूँ, मतलब कितना दिखाती हूँ कि पता है, अगर मैं 24 घंटे होता है ना तो उसमें से कुछ ही घंटे का वीडियो को एडिट करके मैं 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का वीडियो आपको दिखाती हूँ, उसमें भी इतने ज्यादा लोग जज कर लेते ना मुझे आजकल, मैं क्या बताऊँ आपको। एंड माही आज गई है स्कूल, उसका आज फर्स्ट डे है, ऑलरेडी उसका 2-3 दिन स्कूल उसका लीव हो गया था, छुट्टी हो गया था, आज उसका स्कूल है। एंड बहुत लोगों ने पूछा था कि वो कौन से क्लास में पढ़ती है, तो वो प्री केजी में पढ़ती है अभी, प्री केजी के बाद एलकेजी, उसके बाद यूकेजी आएगा। हमने प्ले स्कूल में नहीं डाला था, बच्चों को आप लोग प्ले स्कूल में डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला था क्योंकि मैं घर पर रहती थी उस वक्त एंड मेरा ज्यादा कुछ काम नहीं होता था, तो मैंने उसको कभी भी प्ले स्कूल में नहीं डाला था। एंड यूट्यूब भी उसके स्कूल से थोड़ी देर पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने नहीं डाला था उसको प्ले स्कूल में। एंड रही एक और बात कि आप अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर, हाँ वो रेडी, यस ओके चलो अब ठीक है ना थोड़ा सा। हाँ, तो रही बात एक और कि आप अपने बेटे को बहुत ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने के लिए देती हैं, तो देखिए मैं माही को इतना ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने के लिए देती ही नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि पता है आपने शायद मेरा जो मासी का घर पे वीडियो था उसमें आपने देखा होगा, केक करते टाइम वो फोन पकड़ के बैठी थी, उस एक वीडियो में आपने देखा होगा, एंड कल के वीडियो में या फिर कब आपने थोड़ा सा देखा होगा, थोड़ी देर के लिए आपने देखा होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं उसको, हाँ मैं मानती हूँ कि बच्चों को खाने के टाइम भी उनको टीवी लगा के नहीं दिखाना चाहिए,
है, लेकिन मेरे से वो नहीं संभलती है कभी कभी बहुत। कभी कभी मैं उसको स्टोरी सुनाती हूँ तो वो खा लेती है, कभी कभार वो बिल्कुल भी नहीं सुनती, तब मैं उसको टीवी में ना कार्टून वगैरह ये सब लगा देती हूँ तो वो ना देख के अच्छे से खा लेती है। देख के मतलब क्या, गाना मोस्टली वो गाना ही सुनती है। जैसे उसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है ना, तो आजकल वो दीपिका पादुकोण की डांस रोल बड़ी देखती है, ढोल बाजे नहीं वो कौन सा था, नगाड़ा संग ढोल बाजे, फिर पद्मावत का ये सब गाना देख देख के ना वो डांस देख देख के वो खा लेती है कभी कभार। लेकिन खाती है मतलब क्या, परेशानी नहीं, कोई नहीं, परेशानी कर करके खाती है। लेकिन मोबाइल फोन वाली बात है, मुझे पता है मोबाइल फोन बच्चों को उतना नहीं पकड़ानी चाहिए। एंड किसी का कमेंट ऐसा आया था कि आप तो अपने बच्चों की जान ले लोगे, यार कोई माँ किसी बच्चे की जान नहीं ले सकता है। एंड जब भी आप ऐसे सब कमेंट्स मुझे करते हैं ना, मुझे लगता है कि ये क्या बात हुई, ऐसा क्या कमेंट है। एंड कौन से पेरेंट्स को अपने बच्चों को कितना देर फोन दिखाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए ना, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए अपने बच्चों को फोन देना चाहते हैं या फिर कितनी देर तक अपने बच्चों को टीवी दिखाना चाहते हैं। देखिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं माही को क्या उसको उसके साथ स्पेंड कर लेती हूँ या फिर टीवी दिखा देती हूँ थोड़ी देर के लिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि मैं माही को बिल्कुल भी टीवी नहीं दिखाती, वो बिल्कुल कार्टून नहीं देखती, बिल्कुल मोबाइल में कार्टून नहीं देखती। देखती है लेकिन एक लिमिट में देखती है, एंड ऐसा भी नहीं है कि एक घंटे तक देखती जाए रह जाए, ऐसा भी नहीं है। 10 मिनट तक देखती होगी बहुत मुश्किल से, 10 से 15 मिनट। एंड अगर बहुत कोई बोलेंगे अभी कि उतना भी नहीं दिखाना चाहिए, पर गाइस देखिए कभी कभार क्या होता है ना, बच्चों को भी लोगों की नीड होती है, ठीक है। महेंद्र ऑफिस चले जाते हैं अपने काम में, वो जब घर पे रहते हैं वो बहुत उसको अटेंशन देते हैं। मैं उसको कोशिश करती हूँ कि हमेशा उसके साथ रहूं। ये भी एक सवाल था कि आप बच्चे के साथ यूट्यूब कैसे संभालती है, तो देखिए यूट्यूब मेरा जो काम होता है ना व्लॉगिंग करना, मैं दिन में अपने काम के साथ ही व्लॉगिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब एडिटिंग करना होता है ना, मैं सबके सोने के बाद जाके मैं एडिटिंग करती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं माही को अकेले छोड़ दिया, मैंने अपना एडिटिंग कर लिया, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को कभी अकेला छोड़ दो ना तो उनका बहुत उनका माइंड में बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा इफेक्ट होता है। तो उतना तो मुझे पता है, उतना हर पेरेंट्स को होता है। तो किसी भी पेरेंट्स को मैं जज तो नहीं करूंगी या फिर कोई ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को अच्छे से नहीं देख रहे हो, लेकिन स्क्रीन टाइमिंग की बात यह है कि मैं अपने बेटे को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती कि फोन ही देखती रहो आप या फिर फोन के अलावा आप और कुछ मत देखो, माही को ऐसा नहीं है, या फिर वो बाहर नहीं जाती, पार्क नहीं जाती, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे में। तो आई होप मैंने आपको समझा दिया। वीडियो में क्या होता है ना, कभी कभार मैं अगर कुछ रिकॉर्ड करती हूँ एंड उस थोड़ी देर पहले मैंने उसको दिया, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे याद आता है या फिर कुछ करना होता है उसी वक्त, वो नहीं सुनती है मेरी बात, तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसको टीवी लगा देती हूँ या फिर फोन देती हूँ कि 2-5 मिनट तुम देखो मैं ये बात कंप्लीट कर देती हूँ, या फिर एंड वो उसमें भी ना गाना देखती है 2 मिनट फिर वो नाचने लगती है। ऐसा नहीं वो एकदम से बैठ जाए, बैठ के ही वो देखती रहे टीवी, ऐसा नहीं करती वो कभी भी, उस तरह की वो है ही नहीं। मदर इन लॉ आई हुई थी, मेरी मम्मी आई हुई थी, दोनों ही थी मेरे साथ। तो मेरे मम्मी यस कितने महीने की थी, मैं कितने महीने प्रेगनेंट, 5 महीने की मैं प्रेग्नेंट होगी। एंड मैं कभी भी दिन में सोती नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, सुपर एक्टिव जिसको बोलते हैं ना, मैं वैसे थी सुपर एक्टिव थी। तो मेरी मदर इन लॉ हमेशा बोलती थी कि तुम सोती नहीं हो, थोड़ा सा रेस्ट नहीं करती हो, देखना तुम्हारी बेटी भी ना ऐसे ही एकदम से बैठेगी नहीं एक जगह पे। तो वो हमेशा बोलती थी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, बट मैं तो इधर से उधर से घूमना फिरना एक जगह टिकती नहीं थी मैं उस वक्त। तो हाँ हाँ देखी ना, ओ गॉड मैं पगे जा देखी सही थी, अच्छी ड्रेस ड्रेस देखी, हाँ हाँ। तो वही ना कि वही वो लोग वही मेरी मदर इन लॉ भी बोलती थी, एंड वही सेम हुआ माही भी, पता है वो भी कभी भी एक जगह पे वो टिकेगी नहीं, जब से उसने चलना स्टार्ट किया है वो एक जगह पे तो टिकती ही नहीं थी। जैसे वो जो ऐसा होता ना क्या क्रॉल करते हैं ना बच्चे घुटने के बल में धीरे 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 चलना ये सब होता है, उस दौरान भी ना वो कभी भी नहीं एक जगह पे नहीं रुकेगी, उसका पता नहीं क्या है। एंड मुझे अच्छा लगता है वैसे, क्योंकि जब वो बीमार हो जाती है एंड एक जगह पे बैठ जाती है ना, कि मुझे बहुत बुरा लगता है उस दौरान, बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यार कैसे एक जगह पे वो बैठ गई है अभी देखो। तो हाँ रेडी, अच्छा चलो मैं बहुत बातें कर लिया, चलो चलते हैं मंदिर, चल के आके फिर मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, बाय। Thank you.
ना बोलता है कि 16 संवार करोगे तो अच्छा पति मिलेगा। मैंने ना 16 संवार किया ना कुछ किया, लेकिन पति अच्छे खासे मिल गए मुझे। इनको इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज है यार, आज मुझको पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं पता था इनको, ना भगवान के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ ही। मुझको बोल रहे थे कुछ परशुराम जी के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है कि क्यों उनको कहाँ पे वहाँ पे क्यों रखा जाता है कि हाँ नहीं डिटेल्स में तो मैं यहाँ पे नहीं बता रही, क्योंकि मे भी हम भी उतने करेक्ट ना है, लेकिन फिर भी मेरे से ज़्यादा तो इनको पता है। देखो आपने कुछ किया था मुझे पाने के लिए? ये तो बड़े भाग्यशाली है यार, मुझे पा लिए ये। देखिए मैंने लगा लिया है यहाँ पे गजरा, मंदिर जाने से यहाँ पे ऐसा देते हैं फूलों, इतना बड़ा बड़ा सा फूल देंगे वहाँ पे फ्री में। हमारे उड़ीसा में अगर मैं थोड़ा इतना सा अगर फूल भी लेते ना तो 50 रुपए से कम में वो लोग नहीं बेचेंगे। इतना बड़ा सा फूल उन्होंने वहाँ पे मंदिर में देते हैं आपको पूजा करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे फूल लगाना। एंड ये रहा प्रसाद, आप लोग भी खा लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आज है इस महीने हम लोग करेंगे कार्तिक महीने में ना सोमवार हम लोग करते हैं पूरा, एंड मंदिर जाते हैं। एंड क्या जो लोग नॉनवेज भी खाते हैं ना, तो इस पूरा मंथ वो लोग नहीं खाते हैं, तो नॉनवेज जो होते हैं उड़ीसा में वो लोग नहीं खाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ है हमारे में बहुत। मेरी मदर इन लॉ तो बहुत सुबह उठ जाती है, मतलब 4:30 के करीब वो उठ जाएगी, नहा लेगी, 5 बजे 5:30 बजे तक उनका पूजा वूजा सब कुछ कंप्लीट कर लेगी वो। ऐसा होता है इस महीने में कुछ कुछ रिचुअल्स मानते हैं लोग। मैंने ना एक फनी सी बात यह है, एक क्वेश्चन देखा बहुत बहुत ज्यादा आया था वो क्वेश्चन कि आप कुछ बताइए सेकंड बेबी प्लानिंग के बारे में। एंड कितनों ने मुझे टीज करके भी बोला था कि अभी माही बड़ी हो गई तो चलो सेकंड बेबी प्लानिंग कर लो, या फिर बेबी प्लानिंग कब करनी चाहिए सेकंड बेबी प्लानिंग। तो वैसा कुछ तो अभी है नहीं पता, वो सब तो बात छोड़ दीजिए, जब होगा जो होना होगा वो तो होगा ही, तो तब आपको बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि सेकंड बेबी प्लानिंग कब करना चाहिए फर्स्ट बेबी के बाद। देखिए अगर आपकी सीजरिन होती है ना तो आप कोशिश करिए, क्योंकि 3 साल के बाद चार्ट नॉर्मली तो वैसे भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि 3 चार साल का गैप आप रखें, उससे पहले आप सेकंड बेबी प्लानिंग कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। तो अगर आपकी सीजरिन होती है तो मिनिमम 3 साल का तो आप गैप ले लीजिएगा, क्योंकि उससे जल्दी करेंगे तो आपका बॉडी का वो जो स्ट्रेंथ होता है ना, क्योंकि ऑपरेशन के बाद आपकी यूट्रस आपकी लोअर एब्डोमिनल ये सब ना बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं वहां पे, तो उसको एकदम से स्ट्रेंथ आने में बहुत टाइम लगता है। तो 3 साल का गैप जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक और बार आपका सीजरिन ही होगा। जिनका सीजरिन होता है उनका सेकंड बेबी कभी नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होता, सीजरिन ही होता है। बहुत कम मेरी बुआ की आई थिंक ऐसा हुआ था कि पहले वाला सीजरिन उसके बाद दो नॉर्मल, मैंने सुना था, नहीं तो मैंने ऐसा किसी का भी नहीं सुना कि किसी का सीजरिन हुआ है और उसके बाद नॉर्मल हो गया। हाँ नॉर्मल के बाद वाले सीजरिन हो जाते हैं वैसे, तो वही बहुत मुश्किल सी बात है। एंड रही बात मेरी से हमारी सेकंड बेबी प्लानिंग की, सो नथिंग लाइक दैट, अभी वैसा कुछ है नहीं। तो देखिए आजकल ना सेकंड बेबी प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत 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 कुछ की आपको। सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है फाइनेंशियल, एंड आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास इतना टाइम होता है, अगर उतना टाइम अगर आप एक बेबी को अच्छे से नहीं दे पाते हो तो दो बेबी करके वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सबकी इन जनरल बात कर रही हूँ यहाँ पे। मेरी तरह अगर कोई ऐसे बाहर आके अकेले रहना, तो मैं माही के साथ अकेले पिस जाती हूँ कभी कभी। पिस जाने का मतलब ऐसे गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब का काम उसका काम ये भी एक प्रोफेशनल की तरह ही मैंने ले लिया है अभी, तो इन सब के ये मैं ना तो मैं डिसाइड नहीं कर पाती कभी कभी कि सेकंड बेबी किसी को मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो। सो आप अपना कमेंट्स बताइएगा, अपना थॉट्स बताइएगा इसमें मुझे जरूर। बाय से हाय फर्स्ट। ओके हमारे घर के ऊपर में ना एक छोटा सा बेबी है यहाँ पे, कितने महीने का, 9 मंथ्स के ऐसा कुछ का बेबी है वो। उसको देखने के लिए माही पागल हो रही है, बोलती कि चलो उनके घर चलते हैं बेबी को देखने, चलो उनके घर में बेबी को देखने चलते हैं। तो इसी के लिए उसने अभी उठा है, दूध फिनिश किया है, बहुत मुश्किल से इसे मैं दूध पिलाती हूँ, बहुत मुश्किल से। यू लाइक मिल्क? ओहो अरे अरे देखो तो, यू लाइक दूध? झुट्टी बाय, लव यू बाय बाय। लाइक शेयर शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब।